हाय व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ये। इसके पहले भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है सीआरओ का इस चैनल में, तो उसको स्टडी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में, जो कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उसको हमने डिस्क्राइब किया था, वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ट्रिगर्स सर्किट सीआरटी और उसकी पावर सप्लाई। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो सबसे टॉप में बना हुआ है वर्टिकल एम्पलीफायर और डिले लाइन, ये वर्टिकल सेक्शन का पार्ट है जहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल सेक्शन में जो वर्टिकल एम्पलीफायर है वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और डिले लाइन तक पहुंचाएगा। साथ में ही उसका दूसरा पार्ट जो है एज एन इनपुट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन में गया है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में कौन कौन से पार्ट है? ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। और ये हमारा सप्लाई सेक्शन है जिसमें हाई वोल्टेज सप्लाई और लो वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है। हाई वोल्टेज नेगेटिव सप्लाई है और लो वोल्टेज पॉजिटिव सप्लाई है। ये पार्ट हमारा सीआरटी है, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हार्ट है। अब ये जो पार्ट है इस क्या रोल प्ले करता है इसको हम देख लेते हैं। तो जब हम इनपुट देते हैं वर्टिकल सेक्शन में तो वर्टिकल एम्पलीफायर उस इनपुट को एम्पलीफाई करता है और कहाँ जाता है? वो डिले लाइन में जाता है। जो डिले लाइन है वो हमारे सिग्नल को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखता है कुछ टाइम के लिए वर्टिकल सेक्शन में, ताकि जब वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में जाए तो उसका और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे सिग्नल आती है उसका टाइम मैच कर सके। तो हमारे पास वर्टिकल सेक्शन से इनपुट एम्पलीफाई होता है और एम्पलीफाई होकर डिले लाइन में जाएगा और साथ ही वह ट्रिगर सर्किट में जाता है। डिले लाइन से हमने सिग्नल जो एम्पलीफाई होकर आया है उसको कहाँ प्रोवाइड किया है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में, जो सीआरटी में एक पार्ट है। फिर जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सेक्शन की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले हमारे पास है ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट क्या करता है? जो इनपुट सिग्नल आपके पास आया है उसको ट्रिगर करके पल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आगे चल के जो स्वीप जनरेटर में जो स्वीप सिग्नल या सॉटूथ वेव जनरेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज करके देख सके कि वो सिंक्रोनाइज है या नहीं है। फिर सिग्नल कहाँ जाता है? टाइम बेस जनरेटर पे। टाइम बेस जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो ऑप्टेंड इनपुट को, जो उस पे इनपुट आ रहा है उसको सॉ टूथ वेव में या सॉ टूथ वोल्टेज कह सकते हैं आप, उस फॉर्म में उसको लेकर आता है, कन्वर्ट करता है या उसको जनरेट करता है सॉ टूथ वोल्टेज को, ताकि जो डिफ्लेक्शन बीम है हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे, जब वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाता है तो उसको प्रॉपरली वो डिफ्लेक्ट कर सके उस बीम को, और वो प्रॉपर जो यहाँ सिग्नल डिस्प्ले होगी उसके हॉरिजॉन्टल सेक्शन को वो सेट कर सके। उसके बाद जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, जब वो सिग्नल की डिफ्लेक्टिंग सिग्नल जो आएगा उसको क्या करेगा? वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई करके उसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जाके प्रोवाइड करेगा। हमारे पास पावर सप्लाई दिया हुआ है जो मेन पार्ट है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई है और एक लो वोल्टेज सप्लाई है। हाई वोल्टेज हमारा नेगेटिव सिग्नल जनरेट करता है जो हम सीआरटी को प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो लो वोल्टेज सिग्नल है, जो पॉजिटिव सिग्नल होता है, जितने भी सर्किट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है सीआरओ में उसको वो पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं सीआरटी की। सीआरटी जो हमने पहले भी वीडियो में बताया था, इट इज अ हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप। हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप मीन्स बिना सीआरटी के हमारा जो सीआरओ है वो काम का नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सीआरओ ही एक ऐसा डिवाइस है, वर्सेटाइल डिवाइस है जो हमारे एसी डीसी सिग्नल को डिस्प्ले करता है। ये हमारे पास उसकी स्क्रीन है जहां पर एसी और डीसी सिग्नल डिस्प्ले होती हैं। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट है वो है, उसमें एक पार्ट में है सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक कैथोड ट्यूब होती है, जब वो उसको गर्म होती है तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्री होते हैं और यहाँ एक छोटा सा आउटलेट होता है जो हम इस जो बीम प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से निकलेगी। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो होल होता है वहां से वो एक एक करके निकलने लगता है
और एक बीम के फॉर्म में ट्रेवल होता है, और उसकी वर्टिकल जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्ले डिफ्लेक्शन प्लेट है जहां से हमें सिग्नल वर्टिकल सेक्शन से मिलता है, तो वो उसका वर्टिकल जो पोजीशन है वो भी वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू ही हमें मिलेगा। तो उस हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो वर्टिकली है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट सेट करेगा। उसके बाद जब वो आगे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है उसमें हॉरिजॉन्टली उस डिफ्लेक्शन जो है उसको वो सेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस पोजीशन पे जाकर स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन बीम जब आके हमारे स्क्रीन ये जो बैक पोर्शन है जिसमें फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, और ये फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन जाके स्क्रीन पे टकराता है उसको वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको लाइट के फॉर्म में यहाँ डिस्प्ले करता है, ब्लिंक करने लगता है। और आपको जहां जहां पोजीशन और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेट हुआ है इलेक्ट्रॉन के, वो इलेक्ट्रॉन आके वहां स्ट्राइक करते हैं और उस जगह पे आपको लाइट दिखती है और उससे वो सिग्नल जनरेट होता है। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है सीआरओ का, जो आप इसको क्लियरली समझा सकते हैं, जो कि एक बेसिक डायग्राम है सीआरओ का। नेक्स्ट टाइम पे हम सीआरटी की बात करेंगे, सीआरटी का फुल डिस्क्रिप्शन हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पे जो गन इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे जाके आपका एक पर्टिकुलर सिग्नल को डिस्प्ले करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू व्यूअर्स।